श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 21 से आगे था। 21वां श्लोक पढ़ता हूँ। वेद अविनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कामा। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, ये भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। पिछले जो हमने श्लोक पढ़े हैं उसमें भी आत्मा और शरीर का भेद बताया गया। पिछला श्लोक था न जायते मृत्ये वा कदाचिन्ना न भूत्वा भवता न भूय अजो नित्य शाश्वतो वयम् पुनामो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा बाल नहीं जाता। अब उसी बात को जो है भगवान यहाँ पर फिर रिपीट कर रहे हैं कि आत्मा के अंदर 6 विकार नहीं आते, 6 चेंजेस तब्दीलियां आत्मा में नहीं आती। विनाशनम, आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। नित्य है कि वो अवस्था में कोई अंतर नहीं आता, थी है और रहेगी। लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, लीन नहीं होती है। भगवत धाम जाती है, भगवान के धाम में जाके उसको भी एक शरीर प्राप्त होता है, उसी शरीर के अनुसार भगवान की सेवा में लगती है। अजा, अजा मीन्स जन्म नहीं, अजन्मा है। अभी क्षय नहीं है अर्थात समाप्त नहीं होती, और जन्म के बाद आत्मा की सत्ता उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, साइज वही रहता है। इसकी चर्चा आगे आएगी। साइज वही रहता है, ना साइज बड़ा होता है ना साइज छोटा आता है, और उसमें उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं आता। शरीर हमारा प्रतिक्षण मर रहा है। साइंस भी कहती है कि सेल्स आर डाइंग एवरी डे, एवरी मिनट सेल्स आर डाइंग। अब दूसरा सवाल यह है कि कर्म का फल कौन भोगता है? क्या आत्मा करता है या आत्मा करता नहीं है? अगर आत्मा करता नहीं है तो कार्य कैसे होते हैं? इसका जवाब जानना जरूरी है। आत्मा इच्छा करती है, कार्य नहीं करती। आत्मा को कार्य करने के लिए मिला हुआ है शरीर। जैसे कि कारीगर है, आप उसको बुला लाते हो कि मकान बनाना है, उसके लिए उसके पास हथियार हैं, औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनका इस्तेमाल करता है तो आपका मकान बनाता है। इसी तरह आत्मा जो है वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं, असमर्थ, परंतु सारे कार्य होते हैं शरीर के द्वारा। उसको शरीर प्राप्त हुआ है क्योंकि भौतिक प्रकृति से बना हुआ है जिसमें उसके द्वारा वो सारे कार्य करती है। तो इतनी सूक्ष्म साइज की जो आत्मा है वो किसी को मार कैसे सकती है? मारने के लिए शरीर चाहिए, आत्मा किसी को मार नहीं सकती। और सब लोग जो है अपने अपने समय में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जब सब लोगों को मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इस वक्त सारे लोग जो है अर्जुन के सामने उपस्थित हैं, सब भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो ये जो आत्मा इतनी सूक्ष्म है वो किसी को मार नहीं सकती और ना ही किसी को मरवा सकती, ये उसकी एक लिमिट है। इस बात को समझना जरूरी है कि आत्मा में और शरीर में भेद क्या है और आत्मा कार्य कैसे करती है, इस बात को जानना आवश्यक है। अब हम करते हैं इसके बाद श्लोक संख्या 22। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि गृह्णाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने
तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका पुनर्जन्म होता है, जो धाम नहीं जाते। आत्मा के पास दो गति है, एक है वो धाम चली जाए, वहां जाके भगवान के धाम में जैसा भगवान चाहेंगे वैसा शरीर प्रदान करेंगे, वो शरीर भी दिव्य होगा, माया का बना हुआ नहीं होगा, और वहां भगवान की सेवा में लगेंगी जैसी भगवान उससे सेवा चाहते हैं। दूसरी गति क्या है कि मृत्यु के बाद आत्मा को पुनः शरीर धारण करना है, कोई ना किसी योनि में आना है, और योनि में आने का कारण है कर्मों के फल। जैसे कर्म किए थे उसके जैसे फल मिलेंगे उसी के अनुसार वो योनि में आएगी। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण करता है, तो शरीर को वस्त्र की उपमा दी गई है। वस्त्र मतलब शरीर है और आत्मा उसके अंदर है, शरीर समाप्त हो जाएगा, आत्मा एग्जिस्ट करेगी, आने वाले कल में किसी ना किसी शरीर की प्राप्ति होगी। अर्थात जैसे वस्त्र बदलता है बालक, इसी तरह जो है आप वस्त्र बदलते हो, बच्चे वस्त्र बदलते हैं, इसी तरह आत्मा ने अपने वस्त्र बदले अर्थात अपना शरीर बदल दिया। अब आती है इसमें एक सवाल कि आयु तो प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, शरीर जीर्ण हो रहा है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं, पर आदि काल से जन्म और मरण क्यों? अगर हम कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। शुभ कर्म होंगे तो भी शरीर धारण करना पड़ेगा, अशुभ कर्म होंगे तो भी शरीर धारण करना पड़ेगा। ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो अज्ञान के कारण हमें पता नहीं हमें करना क्या है, हमें पता नहीं है मुक्ति क्या है, हमें पता नहीं है मोक्ष क्या है, हमें पता नहीं हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, संबंध को निभाना कैसे, हमें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अज्ञान है, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से जीवन चलाते हैं, तो फिर क्या है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। उसके बाद है भक्ति से, अगर भक्ति के एंगल से देखा जाए, भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, आप भक्त नहीं बने, भगवान से विमुख हो, भगवान की तरफ आपका मन नहीं है, तो आपको अपनी मर्जी से कार्य करते हो तो उसका फल भोगना पड़ेगा, अर्थात शरीर धारण करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल मिला है, जो मर्जी करो आप, जैसे मर्जी करो, अपनी मर्जी से चलो। तो जब हम जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए भी अपनी विल है, अपनी इच्छा है, मुक्ति चाहिए कि मुक्ति नहीं चाहिए। अगर मुझे जो है मुक्ति चाहिए तो मैं अपने आप को भगवान के सम्मुख कर दूंगा और भौतिक संसार से विमुख कर लूंगा। अगर मुक्ति नहीं चाहिए, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल नहीं करी है, तो मैं भौतिक संसार के सम्मुख रहूंगा और भगवान से विमुख हो जाऊंगा। अब आती छोटी सी बात कि जब मृत्यु निकट आती है, जब पता लगता है कि व्यक्ति मरने वाला है तो रोता क्यों, व्यक्ति रोता क्यों? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का 8 महीने का 7 महीने का, आप उसके कपड़े बदलना चाहते हो तो आराम से बदलवा लेता है कि रोता है? वस्त्र बदलने पे इस भौतिक संसार में भी बालक बच्चे रोते हैं। इसी तरह जब मृत्यु आती है, वस्त्र बदलने हैं, दूसरा शरीर धारण करना है, तो मनुष्य भी जो है इसीलिए रोता है, हाय मैं मरना नहीं चाहता। कहते हैं बड़ा कठिन बुढ़ापा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, ए भगवान मुझे मौत आ जाए तो अच्छा है। प्रार्थना लगा रहे, मुझे याद है अच्छे तरीके से, जब मेरा सबसे पहले इसी डायलॉग के साथ इंटरेक्शन हुआ, मैं जब अस्पताल में काम करता था, तो एक ओल्ड लेडी आई, कोई 80-82 साल की होगी, चला नहीं जा रहा है, वॉकर लेके आ रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, गर्दन दर्द कर रही है, हार्ट में प्रॉब्लम है। आगे कहती है, डॉक्टर जी मुझे कोई दवाई दे दो, मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहती, बड़े दुखी हो गई। मैं टाल दिया, फिर दोबारा तुम्हारे को कोई दवाई नहीं है? मैंने फिर टाल दिया, तुम मेरी गल नहीं सुन रहे हो, कोई दवाई दे दे हो,
फिर ना मैं मर जाऊंगा, और मैं जी नहीं सकती, मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने अच्छा, तो मैंने नर्स को बुलाया, मैंने सिस्टर एक जरा वो इंजेक्शन लाना जिससे व्यक्ति मर जाता है, इनको अभी लगा देते हैं। हाय हाय मैं मर लगे हूँ, अरे अभी तो तू कह रही थी मुझे मार दो, अभी तो कह रही थी कि मैं जीना नहीं चाहती, और जब मैंने मारने की बात करी है तो हाय मैं मर लगे हूँ, की कर लगे हो तुसी। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जब अंतिम समय आता है तो रोदन होता है। रोदन क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्त्र बदले जा रहे हैं। जैसे बच्चा वस्त्र बदलने पर रोता है, ऐसे जब वस्त्र बदले जाते हैं, शरीर बदला जाता है, तो बड़ा भी जो है शरीर बदले जाने पर रोता है। ओल्ड एज, इस बच्चे की आयु क्या है? इंग्लिश में बोलना जरा, इंग्लिश में बोलो, व्हाट इज योर एज? ये बोलेगी आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। क्या बोलेगी? आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड क्यों बोल रहे हो भाई? व्हाई ओल्ड? क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है। तो शास्त्र कहता है कि मृत्यु के पहले का क्षण आप ओल्ड हो चुके हो, आप ओल्ड हो चुके हो। तो 2 साल की आयु में चला जाए, 20 साल में चला जाए, 60 साल में चला जाए, 75 साल में चला जाए, वो उसकी आयु ओल्ड हो चुकी है। अब वो ओल्ड हो चुका है, उसकी आयु 2 ही वर्ष की थी तो 2 ईयर्स ओल्ड है वो, 5 साल की थी तो 5 साल ओल्ड है वो। अर्थात ओल्ड एज जो है उसमें ये नहीं कि 80 साल का बुढ़ा होगा, मृत्यु के पहले 2 साल का बालक भी ओल्ड हो जाएगा, उसको ओल्ड कहा जाएगा। अब आती है हमारे पास रूपा जी, इसके परपण में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अनुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा में संभव हो पाता है। परमात्मा अनुआत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। उपनिषद में चर्चा आती है, मुंडक उपनिषद, शताश्वर उपनिषद में रूपा ने कोट किया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा आपके हृदय रूपी वृक्ष पर बैठे हुए 2 पक्षी हैं, जिसमें आत्मा जो है फलों का भोक्ता है, कार्यकलाप कर रहा है शरीर के माध्यम से, पर परमात्मा फलों से भोक्ता नहीं है, उनके पास कोई फल नहीं है, किसी चीज को भोगना नहीं है उन्हें, सिर्फ 3 काम करते हैं। 1 अनुबंधता, अर्थात आपको काम करने की परमिशन देते हैं जैसी आप चाहो। 2 उपदृष्टा, आपके कार्यकलाप को देखते रहते हैं, अंतर्यामी हैं। और 3 साक्षी, आपके कार्यकलाप के साक्षी हैं, उसके अनुरूप आपको फल देते हैं। वो असंग है, अभोक्ता है। जीव जो है वो आत्मा है, भौतिक प्रकृति के संग है और भौतिक प्रकृति का भोक्ता है। ये बात समझने वाली है। इसका संदर्भ बताया गया है कि आत्मा के अंदर जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, जो भी प्रकाश है, वो परमात्मा की वजह से है। 1, कैसे? जैसे धूप और छाया, छाया में भी दिखता है और धूप में भी दिखता है। तो छाया तभी है जब धूप है, तो छाया की वैल्यू धूप के बिना नहीं है। इस तरह आत्मा की वैल्यू भी परमात्मा के बिना नहीं है। परमात्मा भी हृदय में विराजमान है और आत्मा भी जो है हृदय में विराजमान है, दोनों विराजमान है, तो मित्र पक्षियों की तरह। उसके बाद आती है श्लोक संख्या 23। नयनम चिदंति शस्त्राणि नयनम देहदीपावक न च एनम दृढ़यंती न आपो न शोषति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा के बारे में यहाँ कुछ बातें कही गई कि 4 तत्वों की बात हुई है यहाँ पर, शस्त्र, पावक, आप और मानवता, आकाश की चर्चा नहीं है। शस्त्र बनते हैं पृथ्वी तत्व से,
पृथ्वी से जो मिनरल्स निकलते हैं उनसे शस्त्र की रचना होती है। क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि शस्त्र उसे काट नहीं सकता। पावका, पावका मीन्स अग्नि, इतनी सूक्ष्म आत्मा है कि अग्नि उसे चला नहीं सकती। आपा, जल उसे जल्द वहां तक पहुंच नहीं सकता, जल उसे गीला नहीं कर सकता, मरता है। और वायु, वायु भी जो है हृदय, हृदय में जो आत्मा बैठी हुई है वहां तक पहुंचती नहीं है, उसमें भी उसको सुहाने की शक्ति नहीं है। आकाश की चर्चा नहीं है क्योंकि आकाश में क्रिया करने की शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ चार चीजों की चर्चा आई। ये चारों के चारों तत्व जो है आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश पर कोई असर नहीं डाल सकते। वायु आकाश में घूमती है, आकाश पर असर नहीं डालती। अग्नि प्रेजेंट है, आकाश पर असर नहीं डालती। चारों के चारों तत्व जो हैं वो उपस्थित हैं परंतु आकाश पे कोई असर नहीं डाल सकते। इसलिए आत्मा जो है ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 24। अच्छेद्यो अयम अयाध्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगता स्थान अचल अयम सनातन। 25वां श्लोक इसी के साथ करते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार अयम उच्यते तस्मात् एव मदित्वा अयम न अनुशोचितम अर्हसि। इनके अनुवाद में लिखते हैं श्री भगवान, ये आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, सदा एक सा रहने वाला है। ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, परिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दे दी कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है, इसकी चर्चा यहाँ हो रही है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसमें कुछ तो है निषेधमुख अर्थात नेगेटिव और कुछ है पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। पॉजिटिव मीन्स हो सकता है, है। अशोध्य वयम मतलब आत्मा में आप चोट नहीं पहुंचा सकते, छेद नहीं कर सकते, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसकी इंजरी नहीं दे सकते उसको। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। उसके बाद आत्मा में चलने की योग्यता नहीं है, न अग्नि से, न मंत्र से, न शाप से। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको चलाए, जो पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी वही चर्चा अगले श्लोक में आगे एडवांस में हो रही है। अक्लेद्य आत्मा में गीला होने की भी योग्यता नहीं है। कहते हैं कि अगर मालकोश रस, मालकोश जो है राग, उसको बजाया जाए तो पत्थर भी गीला हो जाता है, परंतु आत्मा के अंदर कोई भी राग बजा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको जो है गीला करने की कोई शक्ति नहीं है, अर्थात चल उस पर कोई असर नहीं कर सकता। चंद्रमा की ओर देखने से चंद्रमणि जो है गीली हो जाती है, पर आत्मा किसी प्रकार से गीली नहीं हो सकती। अशोष्य वायु से शोषण नहीं किया जा सकता, वायु से आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा की वायु के प्रति क्वालिटी है। अगस्त मुनि ने समुद्र को सुखा दिया, सारा जल पी लिया, पर आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। अचल, अचल मतलब जो चलायमान नहीं है, अचल, चल मतलब चलने वाला, चलायमान। आत्मा जो है अचल है, हृदय में विराजमान है, तो हृदय में ही रहती है। ये नहीं है अच्छा आज सोमवार है तो आज आत्मा मेरे पैर में है, अब मंगलवार है आत्मा मेरी पिंजरियों में है, अब बुधवार है आत्मा मेरी कमर में है, आज बृहस्पतिवार है आत्मा मेरे सीने में है, ऐसा नहीं है। आत्मा का स्थान सुरक्षित है, अपनी जगह पर है, उसे चलायमान नहीं है, वही है और वही रहेगी, वहां से हिलती नहीं। उसके बाद है अनुक्त अव्यक्तम मतलब आप आत्मा को देख नहीं सकते, स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, आप आत्मा को देख नहीं सकते। अनचिंतम आपके चिंतन से परे है, आप सोच नहीं सकते कि आत्मा कैसी होगी,
सूक्ष्म है, कण के समान है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी बड़ी है, कहाँ है, कितनी है, आप उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। और अविकार्य मतलब आत्मा में कोई विकार नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते, कोई तब्दीलियां नहीं आती, कोई बदलाव नहीं आता। अब चार चीजें ऐसी हैं जो विधिमुख है, यस है, क्या है, नित्य मतलब शाश्वत है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। लाइट जल्दी किसी आत्मा का कभी विकास विनाश नहीं होता, आत्मा जो है अविनाशी है, नित्य है, निरंतर है, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसको सनातन भी कहते हैं, सनातन का मतलब है कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसके बाद है सर्वगता, पूरे शरीर में आत्मा जो है चेतना के रूप में विद्यमान है। ये नहीं है कि कहीं आत्मा का जोर कम है, कहीं आत्मा का जोर ज्यादा है, आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है, हृदय में उपस्थित होते हुए भी रहती है हृदय में, पर चेतना के रूप में सारे शरीर में व्यापक है, सारे शरीर में विद्यमान है। स्थानों, स्थानों अर्थ फिर बताया कि उसमें हिलने डुलने की प्रक्रिया नहीं है, अपनी जगह पर स्थिर है, वहीं रहती है। और सनातन मतलब अनादि है, सदा से है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ना कभी समाप्त होती है, ना कभी नहीं आती है। जितनी आत्माएं हैं प्रकट हुई हैं, कैसे प्रकट हुई हैं कोई बता सकता है? आत्माओं का प्राकट्य कैसे हुआ है? आपने अग्नि को जलते हुए देखा होगा, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, पर हर चिंगारी सक्षम है फूस में आग लगाने के। कभी देखा हो किसी ने बीड़ी फूकड़ी फेंक दी तो सिगरेट फेंक दी तो आग लग गई, झोपड़ियां झोपड़ियां जल गई। ये योग्यता है अग्नि में कि उससे चिंगारियां निकलती हैं। भगवान से भी आत्माएं ऐसे ही प्रकट हो रही है जैसे कि चिंगारियां निकलती हैं, जैसे कि चिंगारियां निकलती हैं। अनुमात्र आत्माएं भगवान के शरीर से प्रकट हो रही, भगवान के विश्वास से प्रकट हो रही। अब आती है श्लोक संख्या 26। अधय चयन मृत्यम नित्यम वामन्य सेवितम तथापि तुम महाबाहो न एनम शोचितुम अरसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा आत्मा जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं, सदा मरते हैं, तो भी ये महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसी के साथ ही 27वां श्लोक भी करते हैं, इसी के साथ कनेक्टेड है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अरसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा आत्मा जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं, सदा मरते हैं, तो भी ये महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। शोक न करने की बात यहां हो रही है। आगे कहते हैं भगवान, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दो बातें कही हैं, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। पर उन लोगों के लिए जो भगवान के भक्त नहीं है, जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, उनको शरीर धारण करना है, उनको दोबारा से शरीर में आना है। भगवान कहते हैं कि तुमको समझ में आनी चाहिए क्लियर कट बात कि आत्मा में और शरीर में भेद क्या है। तो समझ में आ जाएगा कि तुम शोक नहीं करोगे, शोक करने का कोई कारण नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। ये मर जाएंगे फिर जन्म लेंगे, शोक आएगा करना, फिर आ जाएंगे किसी शरीर में, दोबारा से आ जाएंगे। आज मरेंगे तो कल कोई शरीर धारण कर लेंगे, तो शोक करने का कारण नहीं। और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और धाम चला जाता है तो शोक बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में शोक नहीं करना है। तो यहाँ जो है जो बात मैंने कही प्रभुपाद के संदर्भ से, प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है।
जब आपके कर्म फल जो है इस शरीर के समाप्त हो जाएंगे तो मृत्यु आ जाएगी, फिर अगला शरीर मिलेगा, कर्म फल साथ में कैरी फॉरवर्ड होंगे। मृत्यु के बाद मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म रूप में इंद्रियां और आपके कर्म फल एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये जो आत्मा है इनके ऊपर सवार होके एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये आत्मा का वाहन बनते हैं, यदि आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है तो ये उसका वाहन है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म के फल, ये सब एक साथ जाते हैं। यही कर्म के फल तो आत्मा को अगले शरीर में भोगना क्या, शरीर क्यों प्राप्त हो रहा है? शरीर प्राप्त हो रहा है कर्म के फलों को भोगने के लिए। तो कर्म के फल जो अगर आपके मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट? अगर कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो उसका क्या होगा फिर, आपका क्या रिजल्ट है, उसका क्या बनेगा? अगर कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो भोगने को शरीर तो चाहिए नहीं, भोगना ही नहीं है कुछ, तो क्या होगा? सीधा धाम। तो धाम जाने के लिए योग्यता क्या है? धाम जाने की योग्यता क्या हुई? कर्म फल की समाप्ति। कर्म के फलों की समाप्ति जो है भगवान धाम जाने की योग्यता है। अब कर्म फल समाप्त कैसे होंगे? कर्म फल समाप्त करने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए कि आपको फल ही ना मिले? फल नहीं मिलेंगे तभी तो होगा, भोगना नहीं है। भोगने के लिए जो फल चाहिए वो फल नहीं है मेरे पास, तो भोगना नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिसका सृजन से फल पैदा हो, मतलब जिनसे फल पैदा हो। यही भगवान कहते हैं, अरे हम दूसरे अध्याय में आगे जाके पढ़ेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्मफल हेतु भूमा तो संग वस्तु कर्मणि। हेतु मीन्स कारण, मतलब तू कोई भी ऐसा कार्य मत कर जिसके फल स्वरूप तुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़े। तो योग्यता क्या हुई? योग्यता हुई कि मुझे कोई शरीर धारण नहीं करना है, उसके लिए कर्म फल की समाप्ति चाहिए। तो कर्म फल की समाप्ति कब होगी? कि कर्म ऐसा किया जाए जिसका फल ही ना मिले। ऐसा कर्म कौन सा है जिसका फल ना मिले? कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कर्म करते रहो और मैंने इसको चाटा मारा, भगवान को अर्पित कर दिया, कर्म कर दिया। आपको चार गालियां दी, भगवान को अर्पित कर दी, अर्पित कर दिया ना, बनेगी बात? सोचो, बुद्धि लगा। जब हम 11वां अध्याय करेंगे तो वहां पे 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में चर्चा आएगी ये मत कर्म क्या होता है, मत परम क्या होता है, मत अर्थे क्या होता है। मदर्थे मतलब आपने कार्य किया और भगवान को अर्पित कर दिया, जो आप कह दी। मत अर्थे मत करो, भगवान के लिए कार्य करना। मत परम मतलब केवल भगवान ही है और कुछ नहीं है, उन्हीं के लिए सारे कार्य करने, अपने लिए कुछ नहीं करना। जैसे ही अपने लिए कार्य करेंगे, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने संतोष के लिए, या तो करेंगे शास्त्र के अनुसार या करेंगे शास्त्र के विरुद्ध। शास्त्र के अनुसार करेंगे, अपनी प्रसन्नता के लिए किया है, अपनी खुशी के लिए किया है, अपने आनंद के लिए किया है, तो शुभ फल मिलेगा, अर्थात आपका कर्म जो है पुण्य कर्म है। अगर आपने किया है शास्त्र के विरुद्ध तो वो पाप कर्म हो जाएगा, उसका फल मिलेगा पाप फल, उसका फल मिलेगा पुण्य फल। पुण्य फल हो या पाप फल हो, दोनों को भोगने के लिए शरीर चाहिए।
शरीर के बिना कर्म फल नहीं भोग सकते, पर मुझे चाहिए एक ऐसा कर्म जिसका फल प्राप्त ना हो। तो हम दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, तो डिटेल में बताएंगे आपको इसके बारे में। ये कार्य करना है भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं। मुझे तो फोकट में मिल रहा है, वहां साथ बना है, बना है ना प्रभु जी? किसके लिए बना है? आपके लिए बना? हाँ, हम खाएंगे, हमारे लिए बना है, हमने नहीं खाना? नहीं, भगवान के लिए बना है। भगवान को भोग लग जाएगा, हमें तो फोकट में मिल रहा, हमें तो जरूरत ही नहीं, मिल रहा ऑटोमेटिकली मिल रहा। अरे प्रभु जी, थैले में कुछ लेके आए, केले लेके आए, संतरे लेके आए, अमरूद लेके आए, सेब लेके आए, भगवान के लिए लेके आए। भगवान तो दृष्टिपात करते उन्होंने ग्रहण कर लिया, बाकी तो हम ही को बटना साहब, हम ही तो खाएंगे सब, वो खाएगा सब। तो हमें अपने लिए इच्छा नहीं करनी, जैसे अपने लिए इच्छा करी बंधन में बंधे, हमें इच्छा करनी है भगवान के लिए। ये कार्य मैंने भगवान के लिए ही करना है, अर्पित करना तो बाद की बात है, अर्पित करना पहली स्टेज है। मुझे कार्य करना ही भगवान के लिए है, बस और कुछ नहीं। तो जब आप भगवान के लिए कार्य करेंगे तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। ओके, फल का सृजन हुआ है, हुआ है, फल मिलेगा जरूर, पर कैसा मिलेगा? आध्यात्मिक कार्य था तो आध्यात्मिक फल है। आध्यात्मिक फल क्या है? कि भगवान की डायरी में, भगवान के बही खाते में एक कर्म भगवान के लिए जुड़ गया तो मुक्ति की एक सीढ़ी बन गई, फिर जुड़ा एक सीढ़ी और बन गई, फिर जुड़ा एक सीढ़ी और बन गई, अर्थात आपकी सीढ़ियां तैयार हो रही हैं भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि आपने कार्य केवल भगवान के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। अब देखिए श्लोक संख्या 28, अव्यक्त आदिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानी जैव पत्र का परिवेदन परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है? आज आपने शरीर धारण किया है, हमें दिख रहा है, दिखने का मतलब है व्यक्त है, वी कैन सी, इन इंद्रियों से इस शरीर को देख सकते हैं, व्यक्त है। आज से पहले आत्मा जो है किसी ना किसी और शरीर के रूप में थी, किसी शरीर को धारण किए हुए थी, उसको तो हम देख नहीं सकते, इसका मतलब है अव्यक्त थी। मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद आत्मा फिर को शरीर धारण करेगी जिसको हम नहीं देख सकते, इसका मतलब है वो फिर जो है अव्यक्त हो गई, अर्थात व्यक्त है, अव्यक्त है, अव्यक्त है। पहले अव्यक्त थी मतलब दिख नहीं रही थी, अब दिख रही है, शरीर के शरीर को धारण किया उसने, शरीर दिखाई दे, आत्मा तो भी दिखाई नहीं देती, बाद में देख सकते हैं नहीं देख सकते, शरीर दिख रहा है, शरीर से पता लगता है कि आत्मा उसके अंदर विराजमान है। एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है वो आपके सामने लेटा हुआ है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, हाथ नहीं हिला सकता, पैर नहीं हिला सकता, शरीर तो वही है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो उससे सारे कार्य करवा रही थी? हाथ हिला सकता था, मुंह से बोल सकता था, कान से सुन सकता था, आंख से देख सकता था, वो क्या वस्तु थी, क्या चीज थी? वो है आत्मा। आत्मा थी तो जीवित है, जीव है तो जीवित है, आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, अर्थात निर्जीव है। आत्मा है तो जीवित है, आत्मा नहीं है तो निर्जीव है। अब देखना जो होता है, अव्यक्त में दिखाई नहीं दे रहा, व्यक्त में दिखाई दे रहा है, फिर व्यक्त में दिखाई नहीं दे रहा, तो देखना जो है उसको दो तरीके से देखा जाता है, एक कान के द्वारा और एक आंख के द्वारा। ये मैंने आंख के द्वारा इसको देखा,
और आपने आपके द्वारा नहीं देखा, आपने सुना है, तो आपने कैसे देखा है? कान के द्वारा। तो आंख के द्वारा भी देखना होता है और कान के द्वारा भी देखना होता है। अब आज में कहते हैं कि नेत्रों के द्वारा जो देखना है वो एक तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तीन चीजें क्या? एक दृष्टा अर्थात देखने वाला जो देख रहा है, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो देख रहा है। दूसरा है दृश्य, दृश्य मतलब हमें पूरा प्रोसेस समझ में आता है कि कैसे देखना है, आदि मोदी आंखों से देखना है, कौन मोदी आंखों से देखना है, कैसे देखना है। तीसरा है किसको देखा जा रहा है, किसको देख रहा है, तीन चीजें। और अगर कोई आपको इतने बढ़िया दर्शन करा दे कानों से, अरे श्याम सुंदर की पाजे, उसके उसने रत्न जड़ित पागे का आपको सब व्याख्यान दे दिया, ऐसी पाजे होगी, ऐसी होगी, आपको दर्शन होंगे। वहां के गलों में वैजंती माला है, वैजंती फूलों की माला है, उनके घुटने तक लटक रही है, आप उसकी एक छवि बना दोगे, मतलब आपने कानों से भगवान को देख लिया। इसी तरह आपको आत्मा को जो है वो स्वयं को स्वयं से देखना है, अर्थात आत्मा को आत्मा से ही देखना है, अपने आप से कि ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी हाँ होगी, हाँ वो आपको दिखाई नहीं देगी, चिंतन से परे। अब अगर आत्मा जो है उसको कहा जाता है जब शरीर को कॉन्शियसनेस देती है, चलाती है शरीर को, इसका मतलब है आत्मा प्रकाशमय है, उसमें प्रकाश है, अंधकार नहीं, अंधकार होगा तो गई, खत्म, चली गई, अंधकार है नहीं, आत्मा हमेशा प्रकाशमय है, यहाँ है तो भी प्रकाश है, भगवान के धाम जाएगी वहां भी प्रकाश है, दूसरे शरीर में जाएगी वहां भी प्रकाश है, स्वयं प्रकाशमय है। अब एक छोटा सा उदाहरण है कि आपको अंधेरे में देखना है, आपको क्या चीज चाहिए? दो चीजें, एक आंख और एक प्रकाश। अंधेरे में रोशनी होगी तभी तो देख पाओगे, और आंखें होंगी तभी देख पाओगे, आंखें नहीं होंगी तो कैसे देख पाओगे? तो रोशनी भी चाहिए और आंख भी चाहिए। अब आप अंधेरे में दीपक को ले आए, अब आपको प्रकाश नहीं चाहिए, ऑलरेडी प्रकाश दीपक के रूप में आ गया है, अब आपको सिर्फ आंखें चाहिए उसको देखने के लिए। तो दीपक में अपने आप का प्रकाश है और अब आपको प्रकाश नहीं चाहिए, पर आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है दीपक की तरह, उसको आपको देखने के लिए आंखें चाहिए, परंतु आंखों से दिखती नहीं क्योंकि चिंतन से परे है, इसलिए कानों से आत्मा को देखा जाता है, कानों से समझा जाता है, कानों से देखा जाता है कि ये आत्मा कैसी होगी, सूक्ष्म है, तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की इमेजिनेशन करते हो, ये कितनी सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म, कितनी कल्पना कीजिए कि आपकी बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, बाल के नहीं, बाल की नोक के, अब आप इमेजिन करते रहिए बैठ के। इसीलिए भगवान आगे जो है अगले श्लोक में क्या कहते हैं, आशीर्वत पश्यति कश्चित एनम आशीर्वत वत्ति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद च एव कश्चित। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। आश्चर्य है कितनी छोटी होगी, बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है, हाउ इज दैट, कितनी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, मैं उसको जो है सोच नहीं पा रहा हूँ, उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए जो है बात समझ में नहीं आ रही है कि आत्मा का साइज क्या होगा। अब आप वर्णन करते हैं आत्मा के बारे में, मैं वर्णन करता हूँ आत्मा के बारे में, किससे हो रहा है, वाणी से, वाणी से वर्णन हो रहा है ना, तो मैं अपनी वाणी से आत्मा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, पर वाणी किससे मिली है, मेरी वाणी में शक्ति किसने दी है? जब वाणी में शक्ति आत्मा की वजह से है तो वाणी आत्मा को डिस्क्राइब कैसे कर सकती है?
पुत्र जो है पिता की डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, पिता पुत्र की डिस्क्रिप्शन दे सकता है। वाणी जो है वो आत्मा के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, हमको बता नहीं सकती। हम बहुत कोशिश करते हैं, रोते हैं, सुनते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कैसी है। हम आश्चर्य की तरह सुनते हैं, शास्त्रों से सुनते हैं, गीता से सुनते हैं, परिषद से सुनते हैं, वैष्णवों से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, सुनते चले आ रहे हैं, परंतु हमें फिर भी समझ में नहीं आती। अब कोई सुनकर भी नहीं जानता, यहां से बाहर निकलेंगे तो केड़ी आत्मा, चलो ये बात ही खत्म, मैटर ओवर। आत्मा के बारे में हमें अब कोई सुनना जानना नहीं है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रही बात। जब बच्चे को मैथमेटिक्स का सवाल कराएंगे, सवाल नहीं समझ में आएगा तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा। अब नहीं करना जी, क्या है, मम्मी ने 10 बार समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। जब आत्मा के बारे में सुना तो समझ में नहीं आया, देख हम सकते नहीं आत्मा को, सुन ही सकते हैं, वो हमको वर्णन कर रहा है, हम किसी को वर्णन कर रहे हैं, बात समझ में आती नहीं तो क्या होता है, छोड़ो जी, पद रखो, ऐसे ही ठीक है। यू कैन फील इट, यू कैन अप्रिशिएट इट, कि यस कोई चीज है, मैं देख नहीं पा रहा, वो बात अलग है, पर कोई चीज है जो कि रोशनी दे रहे हैं, जो शरीर में प्रकाश उत्पन्न किए हुए हैं। और उसके बाद आती है श्लोक संख्या 30, देहि नित्यम अवद्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वानि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये जो है आखिरी श्लोक है जीव और शरीर के भेद का। ये भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी बातें बताई, विधि भी बताई, निषेध भी बताया, आत्मा के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए, अल्टीमेटली बात निकली कि आत्मा अजन्मा है, पुरातन है, नित्य है, शाश्वत है, और आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। आप किसी भी तरीके से, किसी भी शस्त्र से आत्मा को काट नहीं सकते, वायु से सुखा नहीं सकते, जल से गीला नहीं कर सकते, अग्नि से जला नहीं सकते। तो ये आपकी इमेजिनेशन है कि आत्मा कैसी होगी। वध नहीं करना चाहिए, वध नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा किसी का वध करने में सक्षम नहीं है। आत्मा को अपना कार्य करने के लिए मिला है शरीर, ये हम जाने 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब पुरुष क्षेत्र की चर्चा आएगी तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। यस व्हाट इट इज। तो आत्मा के बारे में जब इतनी बातें भगवान ने बता दी, अब भगवान उससे कहते हैं कि तेरे को शोक करने का कारण नहीं है, शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि ये जो तेरे सामने उपस्थित है मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तेरे को तो मैंने इनको मारने का निमित्त बनाया है कि तेरे माध्यम से इनको मैं मारना चाहता हूँ दिखाने के लिए, और मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब जो व्यक्ति भगवान ने उसको पहले ही मृत्यु को प्राप्त करा दिया है तो उसके लिए शोक कैसा करना। और पहले भगवान ने बताया अशोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादा भाषण से कथा सुना कथा सुना श्रीराम शोच पंडित, शोक नहीं करना चाहिए। हमने स्कंद पुराण से चर्चा करी थी, हमने मित्र भेद से चर्चा करी थी कि आत्मा के लिए हम जो भी आंसू बहाते हैं वो आंसू कफ के साथ मिलके उस आत्मा को हमें शोक पीने पड़ते हैं, तो हम उसको शांति की प्रार्थना करते हैं, उनको आंसू नहीं पिलाना चाहते हैं। We don't want it। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता हूँ। Any question? से भी कहता हूँ, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी लेक्चर हो, क्योंकि मैं परसों हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ हार्ट की प्रॉब्लम से, पता नहीं लौट पाऊंगा नहीं लौट पाऊंगा। आप लोग प्रार्थना करिए कि मैं लौट के आऊँ।
आप लोगों की सेवा कर सकूं, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। ट्यूजडे को मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो ठाकुर